बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का जो संकल्प हमने लिया था, एक राष्ट्र के नाते उसकी सिद्धि के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया। बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बड़े, गरीब मध्यम, हर कोई परीक्षा की इस घड़ी में साथ आया। जनता कर्फ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया। एक दिन के जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है, जब मानवता पर संकट आता है, तो किस प्रकार से हम सभी भारतीय मिलकर के एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए, उसकी सफलता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। साथियों, आप कोरोना वैश्विक महामारी, उस पर पूरी दुनिया की स्थिति को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे या उनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चुनौती बढ़ती ही जा रही है। इन सभी देशों के 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है, उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। ये सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को,
आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चल करके पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देगी। अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और यह कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। साथियों, पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश के हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे, अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाए।
अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा के लिए तबाह हो जाए। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। साथियों, आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ लगता है, वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता, और इसलिए एहतियात बरतिए, अपने घरों में रहिए। वैसे जो लोग घर में है वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने, कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। साथियों, एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस पहुंचता है तो उसके शरीर में इसके लक्षण दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान वो जाने अनजाने, ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता, यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1,00,000 तक पहुंचने में 67 दिन लग गए थे, यानी 1,00,000 तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में ही 1,00,000 नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2,00,000 हो गए। सोचिए, पहले 1,00,000 लोग संक्रमित होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2,00,000 लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावह है कि 2,00,000 संक्रमित लोगों से 3,00,000 लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है।
और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है।